हाँ हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा इलेक्ट्रो स्टेट्स का फर्स्ट लेक्चर है और आप लोगों का भी जो है वो 12th का ये फर्स्ट टॉपिक है। इसलिए हम इसको स्टार्ट करने के पहले कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहेंगे कि आप लोग इलेक्ट्रो स्टेट को स्टार्ट करने के पहले एटलीस्ट वेक्टर के लेक्चर्स को जो 11th के उसमें हैं आप जो है वो ज़रूर देखें, क्योंकि जो हमारी ये फिजिक्स है 12th की, ये लगभग इसका 60% पार्ट ये वेक्टर बेस्ड है, तो विदाउट वेक्टर के ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। दूसरा, जिन लोगों के पास मैथ नहीं है या मैथ में जिनका वीक है, वो लोग जो मैथमेटिक्स के फॉर फिजिक्स करके 5 लेक्चर इसमें पढ़े हुए हैं, उन लेक्चर को भी आप ज़रूर देखें। अदरवाइज बोर्ड का तो काम चल जाएगा, लेकिन इन कंडीशन में जो है आपको दिक्कत आएगी। हमारे ये जो लेक्चर हैं ये स्टार्टिंग में बोर्ड लेवल का और बाद में इसमें जो है कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन और थ्योरी डिस्कस होगी। बीच में भी थोड़ा बहुत जब हमने कॉम्पिटिटिव लेवल का हम बताएंगे तो आपको बताते जाएंगे कि ये हमारा कंपटीशन का पार्ट है, ये बोर्ड में नहीं आएगा। तो जिन लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इंटरेस्ट नहीं है या जो केवल बोर्ड का करना चाहते हैं वो उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन आप वेक्टर और मैथ का पार्ट वो आपको ज़रूर करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रो स्टेट्स को। तो इलेक्ट्रो स्टेट में हम जो चार्जेस होते हैं वो उनका रेस्ट में हो, मूविंग में हो, उनकी हम स्टडी करते हैं। ठीक, उनके बीच में जो फोर्स लगते हैं उनकी स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, इनका सबकी स्टडी करेंगे। ठीक, तो जो ओल्ड थ्योरी है उसमें आपको मालूम होगा छोटे क्लासों से कि हमारी इलेक्ट्रो स्टेट की जो पुरानी थ्योरी है उसमें हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की स्टडी करते हैं। तो स्टार्टिंग में जो था वो थेल्स ने, दो मटेरियल मिलते हैं, एक वूल और अम्बर, उनको रबिंग किया। रबिंग करने से क्या हुआ, जैसे मान लीजिए एक ये अम्बर है एक वूल है और उनको रबिंग किया, तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जिनकी एफिनिटी ज़्यादा है उस तरफ को इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं। ओके, तो एक बॉडी जो है वो निगेटिवली चार्ज हो जाती है और दूसरी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम निगेटिव लेते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए ये दो बॉडी है, इससे इलेक्ट्रॉन इससे शिफ्ट होकर इसमें चले गए तो ये निगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, तो अम्बर और वूल, इसका थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे कि स्टार्टिंग में जो इनका नाम रखा गया था, अम्बर जो है वो एक येलो कलर का रेजिन लाइक मटेरियल होता है और इसको हम गम रेजिन जो है वो गम टाइप का मटेरियल है, हम लैटिन में इसको जो है वो रेजिन बोलते हैं। इसलिए उस समय पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज का नाम है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने रखा था। ठीक, एट दैट टाइम जो अम्बर का जो चार्ज था उसका नाम रिजनस रखा गया, रेजिन लाइक मटेरियल है तो रिजनस रखा गया, रिजनस, RESINOUS। ठीक, और जो वूल में चार्ज आया उसका नाम विट्रस रखा गया है, VITROUS। हालांकि ओल्ड नेम है, कोई ज़्यादा उनका पर्पज नहीं है। बाद में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इनका नाम चेंज करके जो रिजनस था उसका नाम नेगेटिव रख दिया और विट्रस का जो था उसका नाम पॉजिटिव रख दिया। ठीक, तो इस तरह से बाद में ये मालूम पड़ा कि जो वूल था उससे इलेक्ट्रॉन निकलकर अम्बर को चले जाते हैं। ठीक है, अम्बर जो है इसलिए जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव हो गया और दूसरा जो प्रोटॉन का चार्ज है वो पॉजिटिव ले लिया गया। आप समझ गए होंगे कि स्टार्टिंग में प्लस और माइनस नहीं था, स्टार्टिंग में जो नाम रखा गया था वो अम्बर रेजिन लाइक मटेरियल है और रेजिन लाइक मटेरियल हो उसका नाम रिजनस रखा गया, दूसरा नाम विट्रस रखा गया। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इनके नाम को चेंज करके रिजनस को नेगेटिव और विट्रस को पॉजिटिव कर दिया। बाद में मालूम पड़ा कि अंबर से इलेक्ट्रॉन निकलकर, सॉरी, वूल से इलेक्ट्रॉन निकलकर अंबर में जाते थे। ठीक, तो अंबर का जो चार्ज है जब इलेक्ट्रॉन उसमें गए और पहले से ही नेगेटिव रखा जा चुका था इसलिए वो जो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव हो गया और प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव हो गया। ओके, और ये जो हम रबिंग करते हैं इसमें जो हमारी एनर्जी लगती है वही एनर्जी उसमें चार्ज के टर्म्स में रिप्रेजेंट होती है। ठीक,
क्योंकि उसके बाद जो बॉडी चार्ज्ड होती हैं उनमें फोर्स लगता है। ओके, तो जो चार्ज होता है वो, अब आप समझ गए कि दो तरह का चार्ज हो गया, एक पॉजिटिव और दूसरा चार्ज नेगेटिव हो गया। ठीक, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव ले लिया गया और उसका अपोजिट पॉजिटिव हो गया। आपको मालूम है इस समय कि इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है। हमने आपको ओल्ड नेम दे दिए, ये जो रेजिन लाइक मटेरियल था ये अंबर और बूल, अंबर और बूल, अंबर जो है वो रेजिन लाइक मटेरियल हो गया, रेजिनस था, इसमें चार्ज नेगेटिव होता है और इसमें चार्ज पॉजिटिव आता है। ओके, तो चार्ज जो है स्टार्टिंग में तो ऐसा था कि जैसे मान लीजिए हमने दो बॉडी को रबिंग किया, ये दो हमने प्लेन ले लिए ब्लैक, ये एक जैसे हैं और एक ये ब्लू है, इसको अगर हमने रबिंग किया तो ये दो तरह के मटेरियल हो गए। ओके, फिर हमने एक क्या किया, दूसरा ब्लैक पेन लिया और ब्लू पेन से इसको हमने रबिंग किया, यानी कि दो डिफरेंट मटेरियल हैं, और फिर ब्लैक को पास पास में लाए, यानी कि इसका मतलब मेरा है कि सेम मटेरियल को पास पास में लाए, तो देखा गया कि उनमें रिपल्सन होता है। तो ये कॉन्सेप्ट बन गया कि जो सेम चार्ज हैं उनमें रिपल्सन होता है, जब हम अपोजिट चार्ज को पास में लाते हैं तो उनमें अट्रैक्शन होता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पॉजिटिव और नेगेटिव इस बेसिस पर नाम रख दिया कि जो पॉजिटिव जो चार्ज, जब कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होती है और दूसरी बॉडी इक्वली नेगेटिव चार्ज होती है, अगर हम उनको टच करा दें तो वो न्यूट्रल हो जाते हैं, इसलिए उनका नाम पॉजिटिव और नेगेटिव रख दिया गया। ठीक है ना, तो आप समझ गए होंगे। तो चार्ज जो है तरह तरह से डिफिनीशन दे दी जाती है, प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, ठीक है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोर्स है, ठीक, उसको हम चार्ज बोलते हैं। आप फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की स्टार्टिंग हम करते हैं शुरू में स्टडी, ठीक, आपका जो वैल्यू है या जो बेसिक यूनिट है, यूनिट चार्ज की आपको मालूम कूलाम होती है, और जो बेसिक फार्मूला है इसका चार्ज का वो क्यू इज इक्वल टू, यानी है किसी बॉडी में जहाँ पर ई जो है वो आपका चार्ज है, 1 पॉइंट, इसमें प्लस माइनस आप लगा सकते हैं, अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव माइनस ले लें, अगर पॉजिटिव है तो प्लस ले लें। ये चार्ज जो ई की वैल्यू है वो 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम है। हम बेसिक में माइक्रो कूलाम का यूज़ करते हैं, माइक्रो 10⁻⁶ कूलाम होता है, और कभी कभी न्यूमेरिकल में माइक्रो माइक्रो भी, जो पिको भी कह सकते हैं, लेकिन माइक्रो माइक्रो यूज़ करते हैं, ये 10⁻²⁻ कूलाम होगा। ठीक है, तो ई की वैल्यू यहाँ पुटअप कर देंगे, जैसे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो उसमें इतना चार्ज होगा, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ तो जिसमें इलेक्ट्रॉन चला गया उसमें नेगेटिव आ गया और दूसरी बॉडी में पॉजिटिव आ गया। अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो 2 मल्टीप्लाई कर दें, 3 है तो 3 मल्टीप्लाई कर दें, इससे आप टोटल चार्ज का कैलकुलेशन कर सकते हैं। दूसरी बात कि 1 कूलाम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स पर होगा, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, बुक्स में दिया रहता है, तो क्या करेंगे कि क्यू इज इक्वल टू यानी में यहाँ 1 कूलाम डाल देंगे, नंबर ऑफ एन निकालना है, 1.6 × 10⁻¹⁹, ये चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, तो एन इज इक्वल टू 1/ आ जाएगा, 1.6 × 10⁻¹⁹। ये जो फिगर आता है ये 6.5 × 10⁻¹⁸ आता है, 6.25 × 10⁻¹⁸ आता है। इसका मीनिंग ये है कि 1 कूलाम चार्ज इतने इलेक्ट्रॉन्स पर होता है। बेटर है आप अपने फिगर को ध्यान रखें, ठीक है ना, तो 1 कूलाम जो चार्ज आएगा वो इतने इलेक्ट्रॉन्स पर होगा, या इलेक्ट्रॉन जिसमें शिफ्ट हो गए तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल आएंगे तो दूसरी बॉडी में पॉजिटिव हो जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन निकल कर गए हैं, और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज्ड, जिसमें इलेक्ट्रॉन गए हैं वो निगेटिव, और जिससे निकले हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगी बॉडी। ओके, तो यहाँ पर ध्यान दें इस चीज़ पर कि जो आपका, हम जब किसी बॉडी को चार्ज करते हैं तो उनके 3 मेथड हैं चार्ज करने के, प्रोसेस हैं 3। एक तो है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन आप समझ गए, जब रबिंग करते हैं तो फ्रिक्शन से इलेक्ट्रॉन निकलकर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चले जाते हैं। दूसरा सिस्टम होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन, कंडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें हम किसी चार्ज बॉडी को दूसरी बॉडी के कॉन्टैक्ट में रखते हैं। कॉन्टैक्ट में रखने से क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जैसे ये कंडक्टर है, मान लीजिए ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसको हम दूसरी बॉडी से टच करा देंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज इसमें शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, और ध्यान रखना हमारा ये जो चैप्टर है इसमें जब भी टच कराएंगे तो इक्वली चार्ज, इक्वल बॉडी होगी, मतलब बॉडी एक जैसी होगी। तो जैसे मान लीजिए कि किसी बॉडी में जो है
वो चार्ज आपका जो है वो 10 माइक्रो कूलाम चार्ज है। एक बॉडी हम ए ले ले रहे हैं, ठीक, और दूसरी बॉडी जो है बी, उसमें कोई चार्ज नहीं है, यानी कि न्यूट्रल है, और हम ए को, बॉडी को, दूसरी बॉडी बी से टच करा दें। तो ये, और यहाँ पर जो जितने भी न्यूमेरिकल होंगे आप उसमें ध्यान देना, उसमें लिखा होगा कि सिमिलर बॉडी हैं उनके, इसका मतलब उनका साइज सिमिलर है, ठीक। आगे कैपेसिटर में होता है कि चार्ज अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी डिवाइड होता है, लेकिन यहाँ पर जो बॉडी आप टच कराएंगे वो बॉडी सिमिलर होंगी, इसलिए दोनों में चार्ज हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा, यानी एक में चार्ज Q1 है, दूसरे में Q2 है, हमारा इसमें चार्ज 10 है तो 10, और इसमें न्यूट्रल है इसलिए 0 है, डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 5 माइक्रो कूलाम चार्ज बॉडी में दोनों में आ जाएगा, ठीक। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि हमारी कोई बॉडी ए है और इसमें पॉजिटिव चार्ज है 100 माइक्रो कूलाम, ठीक, और एक बॉडी हमारी बी है उसमें जो चार्ज है वो मान लीजिए आपका 200 माइक्रो कूलाम है। अब दोनों को टच करा दें, ये कंडक्शन है, डायरेक्ट टच करा रहे हैं, ठीक, तो दोनों को प्लस कर लें, 300 डिवाइडेड बाई 2। टच कराने के बाद इन दोनों बॉडी में, इसमें 150 माइक्रो कूलाम, इसमें 150 माइक्रो कूलाम चार्ज आ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि चार्ज को प्लस करके और उनको डिवाइड कर लें, ठीक। इसके अलावा अगर कोई इस टाइप से आता है कि चार्ज बॉडी में निगेटिव चार्ज है, तो तब भी आप न्यूट्रल का बता दिया, दोनों पॉजिटिव बता दिए। मान लीजिए कोई बॉडी ए है, इसमें जो चार्ज है वो 200 माइक्रो कूलाम चार्ज है, और एक बॉडी बी है इसमें -100 माइक्रो कूलाम चार्ज है, दोनों बॉडी को टच कराएं तो आपका 100 माइक्रो कूलाम बचेगा प्लस माइनस। यही आगे टॉपिक है कि चार्ज की एक प्रॉपर्टी है कि चार्ज में एडिटिव नेचर होता है। ओके, तो 100 है, दोनों बॉडी को टच कराएं कंडक्शन से तो इनमें हाफ हाफ हो जाएगा। इसका मतलब ए बॉडी ए है, बी बॉडी ए है, इसमें 50 माइक्रो कूलाम, इसमें 50 माइक्रो कूलाम चार्ज आ जाएगा। आगे जब हम इस चैप्टर में न्यूमेरिकल लगाएंगे तो उसमें इस तरह से उसको लिखना पड़ता है कि जैसे मान लो एक चार्ज बॉडी है ए, इसमें चार्ज क्यू है, ओके, फिर एक चार्ज बॉडी बी है उसमें भी चार्ज क्यू है। अब इन दोनों को टच करा दिया, ठीक, तो टच कराने के बाद टोटल चार्ज तो 2Q बनेगा, फिर अलग करेंगे तो फिर Q/2 हो जाएगा, इसमें हाफ ले ले रहे हैं Q/2, तो टोटल चार्ज कितना हुआ दोनों को मिलाकर, टोटल चार्ज आया, न्यूमेरिकल में यूज होगा, Q+Q/2, तो कितना हो गया 3Q/2, ठीक। अब क्या किया, दोनों बॉडी को आपने टच कराया, ए और बी को, और फिर ये बॉडी ए, ये कंडक्शन है, और ये बॉडी बी, टच कराने के बाद जब उनको सेपरेट करेंगे तो चार्ज को जो आपने प्लस किया है उसको हाफ हाफ कर दें, यानी ए बॉडी में कितना चार्ज आ जाएगा 3Q/4, बी में कितना आ जाएगा 3Q/4, ठीक। इसी प्रॉपर्टी को हम चार्ज को एडिटिव नेचर भी कहते हैं। तो एडिटिव नेचर में हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, आप समझ गए हैं कि अगर चार्ज में जो है कंडक्शन में चार्ज शिफ्ट होकर उसमें हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा, दोनों को प्लस करके और डिवाइडेड बाई 2 कर दें, इसको बोलते हैं चार्ज बाई कंडक्शन, यानी कि प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ए बॉडी बाई ब्रिंगिंग इट इन कॉन्टेक्ट विद द चार्ज बॉडी इज कॉल्ड कंडक्शन, ठीक। दूसरा जो प्रोसेस है वो है इंडक्शन। इंडक्शन जो होता है ये टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन है ऑफ कंडक्टर का, जबकि एक चार्ज्ड बॉडी हम दूसरे के पास में लाते हैं, यानी कि चार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इंडक्शन को समझने की कोशिश करें, आपके सभी बुक्स में इसका डायग्राम बना होता है। एक हमने रॉड लिया ही है, ओके, मान लीजिए कि इस रॉड में पॉजिटिव चार्ज है, ये हमने पॉजिटिव बना लिया है, ओके। अब हमने एक दूसरी बॉडी ली, चाहे जिस शेप की ले लें, दूसरा कंडक्टर लिया, इसमें जो आपका बॉडी है इसका जो बेस है वो तो है इंसुलेटर ये, और ये भी बेस इंसुलेटर हम लाइन से बना रहे, ये इंसुलेटर है। जिन लोगों को ठीक से करना है वो थोड़ा बुक की हेल्प लेकर, और ये जो लेक्चर हम बोल रहे हैं इनको नोट करते जाएं, आप बोलने से उनको नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इंसुलेटर है और ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है आपका, ठीक। क्या होगा, ये बॉडी ए हम इसके पास में लाए, तो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक,
वो क्या होगा, पॉजिटिव की वजह से वो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएंगे, हालांकि ये भी पॉजिटिव इधर आ जाएगा। आप अगर बुक्स में देखेंगे तो इस तरफ कलेक्शन दिखा रखा है, इलेक्ट्रॉन तो इसी बॉडी से शिफ्ट होंगे कंडक्टर से ही, तो जब इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होकर वो एक तरफ आ जाएंगे। हमने लिख दिया है ऊपर कंडक्टर है और ये आपकी जो बॉडी है वो, ये इंड्यूसिंग चार्ज बाद में आएगा, अब इसको पास में लाए थे हम, ठीक। इसके बाद आप क्या करें कि इसको यहीं पर रखें, ए बॉडी को, ये बॉडी बी है, बीच में इसको हटाएं नहीं, इस दूसरी वाली बॉडी को जो स्फेरिकल बॉडी है आपकी, इसको हम हाथ से टच करेंगे, यानी कि इसको हम बोलेंगे, जैसे इसमें निगेटिव था ये पॉजिटिव था, और इसको अर्थिंग कर देंगे, ठीक। इसको नहीं हटाएं, इसको हटा दिया तो ये तुरंत कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से। अर्थिंग कर, अर्थिंग का ये साइन होता है, ऐसे वायर बनाकर ये लाइन खींच के ऐसे छोटे करते जाते हैं, ये अर्थिंग का है, तो ये अर्थिंग कर दिया। इससे क्या होगा, अर्थ से इलेक्ट्रॉन आकर इसको न्यूट्रल कर देंगे, ये इलेक्ट्रॉन की सप्लाई होगी अर्थ से और इसको न्यूट्रल कर लेंगे। अर्थ जो है एक लार्ज कलेक्शन है चार्ज का, उसमें इलेक्ट्रॉन जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं जैसी रिक्वायरमेंट हो, लेकिन यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पर हमारी ए बॉडी अभी बनी हुई है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बना हुआ है, क्योंकि ये दोनों अट्रैक्शन से बाउंड हैं। हम ऐसे चार्ज को बाउंड चार्ज बोल देते हैं, ये बाउंड हैं दोनों, ठीक है, अट्रैक्शन से बने हुए हैं, ये नहीं शिफ्ट हो सकता है नेगेटिव यहाँ पर, क्योंकि पॉजिटिव की वजह से ये यहाँ पर अट्रैक्ट हो रहा है, इसलिए ये बाउंड है, लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन आके इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, और जब इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे तो हमारी जो बी बॉडी है, न्यूट्रलाइज करने के बाद आप ए बॉडी को हटा लीजिए, ठीक, तब ये इलेक्ट्रॉन पूरी बॉडी में फैल जाएंगे और हमारी ये बॉडी बी निगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगी। आप समझ गए होंगे बात को, कि हम ये इंडक्शन कहलाता है, ठीक है ना, इसको हम पास में लाते हैं एक दूसरा कंडक्टर और उससे हम इसको जो है वो चार्ज दे देते हैं, दूर से चार्ज इंड्यूस हो जाता है। तो समझ गए होंगे आप बात को, यहाँ पर ये बॉडी ए थी, पॉजिटिवली चार्ज थी, दूसरे कंडक्टर के पास लाए, यहाँ पर जो कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो शिफ्ट होके इस कॉर्नर को आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन होगा, और यहाँ पर ये न्यूट्रल, सॉरी पॉजिटिव चार्ज है, इसको हम अर्थिंग कर देंगे। अर्थिंग करने से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन अर्थ से निकल कर इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। इसका रिवर्स भी होगा, अगर यहाँ पर हम निगेटिव ले लेंगे तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ कलेक्ट हो जाएंगे, और फिर हम अर्थ करेंगे तो इलेक्ट्रॉन अर्थ को चले जाएंगे। क्यों, ये चार्ज फ्री है लेकिन ये बाउंड है, किससे बाउंड है, इस पॉजिटिव वाले से, ये फ्री है, ये शिफ्ट हो जाएगा कट से। समझ गए होंगे बात को आप, और इस तरह से बॉडी चार्ज्ड हो जाएगी। और एक डायग्राम और इसका दिया जाता है, वो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। एक इसका डायग्राम जो है वो और भी देते हैं बुक्स में, अगर आप देखेंगे कि उसमें दोनों बॉडी को टच करके दिखाते हैं। ये है क्या है टॉपिक, चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है ना। डायग्राम बनाना ही सफिशियंट है, बस बेसिक आपको आना चाहिए कि कैसे हम इंडक्शन से जो है वो किस तरह से हम चार्ज करेंगे बॉडी को। इसमें क्या करते हैं कि दो बॉडी को आपस में कॉन्टेक्ट पर दिखाते हैं, जैसे एक बॉडी ये ले ली, दूसरी बॉडी ये ले ली, ठीक। ये दोनों, ये नीचे का बेस न्यूट्रल, वो सॉरी इंसुलेटर रहेगा, नहीं तो फिर चार्ज अर्थ को चला जाएगा, और ये दोनों कंडक्टर हैं, ये बॉडी ए, ये बॉडी बी, और ये दोनों ही कंडक्टर हैं ए और बी। जो बेस है वो आपका इंसुलेटर रहेगा, नहीं तो फिर अर्थिंग को चला जाएगा चार्ज, जो है अर्थ को चला जाएगा, उसको हम टच करा के अर्थ में ले जा रहे हैं, ठीक है ना। ये हमारा इंसुलेटर है, इंसुलेटर का मतलब है इससे चार्ज शिफ्ट नहीं होगा, और ए और बी क्या है, कंडक्टर है, ठीक। अब देखें यहाँ पर एक कोई चार्ज्ड बॉडी को यहाँ लेकर आए जिसमें कि पॉजिटिव चार्ज है, क्या होगा, ये पॉजिटिव बनाया हमने, ये पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट होकर इसमें नेगेटिव आ जाएगा और इसमें यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर एक तरफ को कलेक्ट हो जाएंगे। आप समझ गए होंगे बात। अब क्या करें, इसको यहीं पर रखें पास में, जिससे कि ये चार्ज बाउंड रहे, बाउंड का मतलब समझ गए होंगे, प्लस और माइनस अट्रैक्शन से जो है वो बाउंड रहे हैं। अब क्या करेंगे कि ये जो बॉडी है हमारी ए वाली है, ये बॉडी ए, इसमें बी को अलग कर दें, ये हमने बेस बना दिया एक तरफ से, आप चाहें तो बीच में ब्रेक कर सकते हैं।
अब बी को यहां से अलग कर दीजिए, बिल्कुल ये चार्ज शिफ्ट नहीं होगा इधर, क्योंकि ये इससे बाउंड है। ओके, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है जब इसको अलग कर देंगे तो ये पूरे में शिफ्ट हो जाएगा ये, और इस तरह से जो बी बॉडी है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, समझ गए होंगे। और जो ए बॉडी है उसके बाद इस रॉड को आप हटा ले दिए, रॉड सी दे दिया, सी को वहां से हटा दें, हटाने पर क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और इस तरह से ए बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी और बी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। इस तरह से इंडक्शन के आपकी बुक में, सभी बुक में ये दो डायग्राम दिए जाते हैं, आप रफली समझ लें कि इंडक्शन का जो मीनिंग है वो ये है कि चार्ज को जो है वो दूसरे चार्ज बॉडी को पास में लाकर हम चार्ज को इंड्यूस करा देते हैं। ओके, तो तीन मेथड आप समझ गए हैं, एक तो फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन। कंडक्शन डायरेक्ट टच करके कराते हैं, इंडक्शन दूर से है और फ्रिक्शन में रबिंग करते हैं। ओके, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी लार्ज टॉपिक है, पहले ये बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता था, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है इलेक्ट्रो स्टेट में, इसमें जो है वो बहुत सारे यूज होते हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल में काम आता है, पॉल्यूशन में कार्बन का मटेरियल निकलता है फैक्ट्री से, उसको जो है वो जो उसके पार्टिकल्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करके कलेक्ट कर लिया जाता है। स्प्रे मशीन होती है, अगर आप बुक्स देखेंगे तो उसमें बहुत सारे इस तरह से वो दिए जाएंगे। और इसमें एक पॉइंट हमने नोट करा दिया आपको कि 1 कूलाम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉनों पर होता है, इसके पहले लिखाया है 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन पर। अब आता है आपके यहाँ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, तो पहली प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक, और एटॉमिसिटी भी बोलते हैं, एटॉमिसिटी ऑफ चार्ज और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका मीनिंग होता है कि चार्ज जो एग्जिस्ट करता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज होगा ऑन एन इलेक्ट्रॉन, यानी किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई से दिया जाता है, जो कि हमने अभी आपको पहले फार्मूला नोट कराया है, ठीक है ना। यानी कि ऐसा नहीं होगा, एक क्वेश्चन आपके यहाँ बुक्स में दिया रहता है, ऑब्जेक्टिव में ध्यान देना, वो पूछते हैं कि क्या किसी बॉडी पर 5.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम हो सकता है, तो ये नहीं हो सकता चार्ज, क्यों, या तो आपका 1 इलेक्ट्रॉन अगर शिफ्ट हुआ तो कितना हुआ, 1.6 × 10⁻¹⁹ चार्ज नेगेटिव चला गया, अगर 1 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ ए बॉडी से बी में, ठीक। अगर 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए तो 2 टाइम्स होगा 1.6 × 10⁻¹⁹, यानी कि आंसर होना चाहिए 3.2 × 10⁻¹⁹। अगर 3 हुए तो 1.6 का 3 में मल्टीप्लाई कर दो, उसमें ये फिगर नहीं आता है, या तो इलेक्ट्रॉन सिंगल शिफ्ट होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसीलिए फार्मूला बना दिया क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस, यानी प्लस माइनस इसलिए लगा दिया कि एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी और दूसरी बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगी, ठीक है ना। क्वांटाइजेशन को जो सजेस्ट किया था फैराडे ने, ठीक है ना, और मिलिकन्स ने उसको डिमॉन्स्ट्रेटेड किया है, आप इसका जो एक्सपेरिमेंट है आपको किसी किसी को मालूम होगा कि मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड है, उसमें उन्होंने इसको प्रूव किया था कि चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल में ही शिफ्ट होता है। दूसरी बात, आपने अभी अभी एक फिगर नोट किया था कि अगर 1 कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉनों पर होता है, इसका मतलब अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी को 1 कूलाम चार्ज अगर शिफ्ट हो गया तो इसका मीनिंग होगा कि जो चार्ज शिफ्ट हुआ है वो कितने नंबर होंगे, अभी लिखाया 6.25 × 10⁻¹⁸, और ये बहुत लार्ज फिगर है, इसलिए हम क्वांटाइजेशन को माइक्रो भी लेंगे तो 10⁻¹³ के फिगर में आएगा। क्यू इज इक्वल टू, यानी लगा दें सिंपली 1 माइक्रो कूलाम रख दें और ई का चार्ज रख दें तो नियरली 10⁻³ आएगा। इसका मतलब कि बहुत थोड़ा सा भी चार्ज माइक्रो में गया तो करोड़ों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, इसलिए हम माइक्रोस्कोपिक, दो वर्ड यूज करते हैं माइक्रो और मैक्रो, तो माइक्रो मैक्रोस्कोपिक लेवल पर हम जो क्वांटाइजेशन है उसको निगलेक्ट कर देते हैं, ये सेंटेंस आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो क्वांटाइजेशन सिंपल क्या है कि चार्ज ऑन एन बॉडी किस में रहेगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई में रहेगा, प्लस माइनस यानी। दूसरी प्रॉपर्टी आती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज जो है वो कंजर्व रहता है, ठीक, इसका मतलब है कि चार्ज नीदर क्रिएटेड नॉर केवल क्रिएट नहीं कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, शिफ्ट हो सकता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, ठीक है ना, तो प्रोड्यूस नहीं होता है, ठीक, शिफ्ट होता है ए से बी में, ठीक। इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट, क्या लिखते हैं, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ठीक है। और ये भी कह सकते हैं चार्ज कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन इक्वल एंड अनलाइक पेयर ओनली,
इक्वल एंड अनलाइक पेयर शिफ्ट होगा। समझ गए होंगे बात। अब जरा समझें, इसका हमें एग्जाम्पल बोर्ड में लिखना पड़ता है, ठीक है ना। यहाँ एक वर्ड यूज हुआ है, अगर आप उस पर ध्यान दें, उसमें लिखा गया है आइसोलेटेड सिस्टम। आप अपनी बुक्स में देखना, वहाँ पर एक वर्ड यूज करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। इसका मतलब है कि अगर आप ये कह सकते हैं कि यहीं पर था कि मान लीजिए एक बॉडी ए है, एक कंडक्टर बी है, और आपने इनको रविंग किया, तो एक चार्ज मान लीजिए एक बॉडी में पॉजिटिव आ गया, दूसरी बॉडी में निगेटिव चार्ज आ गया। अब आप कह सकते हैं कि ये तो चार्ज हमने क्रिएट कर दिया है, लेकिन इसीलिए उन्होंने वहाँ सिस्टम वर्ड यूज किया है। इन दोनों को एक सिस्टम बनाइए, ए और बी को। बिफोर रबिंग, जब फ्रिक्शन नहीं किया था उसके पहले भी दोनों न्यूट्रल थे, और जब हमने उनको बाद में भी दोनों मिलाकर न्यूट्रल हैं। चार्ज क्रिएट नहीं हुआ है, चार्ज क्या हुआ, शिफ्ट हुआ है चार्ज, ठीक। इसमें बहुत सारी बुक्स में दो एग्जाम्पल दिए जाते हैं, वो एग्जाम्पल आपको मॉडर्न फिजिक्स में भी काम आएंगे, इसलिए हम प्रिफर करते हैं कि आप जब भी एग्जाम में या बोर्ड में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आए तो सिंपली ए और बी बॉडी को बनाकर न दिखाएं, उसके लिए दूसरा मेथड, एक दूसरे एग्जाम्पल हैं उसका यूज करें, ठीक है। वो एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं, हालांकि वो आपको पूरी तरह से मॉडर्न फिजिक्स में समझ में आएंगे, लेकिन हम उसको कोशिश कर रहे हैं आपको, आप इनको जरूर लर्न करें और बोर्ड में अपने यही एग्जाम्पल लिख कर आएँ। तो पहला एग्जाम्पल वो लोग बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन, पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन क्या होता है कि जो गामा रेज होती हैं, गामा रेज वो स्ट्राइक कराते हैं न्यूक्लियस पर। ये हमने कैपिटल एन से लिखा है, इसका मीनिंग जो है वो न्यूक्लियस है, ठीक है ना। हम न्यूक्लियस पर स्ट्राइक कराते हैं तो इसमें से दो पार्टिकल क्रिएट होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन यहाँ हम लिख दे रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन है, ये तो मालूम होगा आपको, ई माइनस है इलेक्ट्रॉन, और ये है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन का जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल है, लेकिन पॉजिटिव है, और पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है, ओके। शॉर्ट में भी आप लिख सकते हैं इसको ऐसे, गामा प्लस न्यूक्लियस इज इक्वल टू ई प्लस और ई माइनस। अगर इतना भी लिख देंगे तो चल जाएगा कि गामा रेज को हम बोल रहे हैं कि गामा रेज फोटॉन जो है वो मेटेरलाइज, गामा रेज जो होती है, जो इलेक्ट्रॉन और ये हैं, ये दोनों पार्टिकल है, और ये रेडिएशन होता है। वहाँ जो आइंस्टीन की आपने इक्वेशन पढ़ी होगी ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, उसके एग्जाम्पल में इसको दिया जाता है कि हम इनर्जी को मैटर में और मैटर को इनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं फार्मूले से, ठीक। वहाँ मॉडर्न फिजिक्स में उस एग्जाम्पल में देते हैं कि ये गामा रेज रेडिएशन है, ये एनर्जी है, ठीक, और इसको यहाँ पर मटेरियल में कन्वर्ट कर दिया गया ई प्लस और ई माइनस में, ठीक। तो फिलहाल आप यहाँ पर लर्न कर लेना, इसमें ये दिया हुआ है कि गामा रेज फोटॉन मेटेरलाइजेज, यानी मटेरियल में कन्वर्ट हो रहा है, इंटू एन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन हैविंग टोटल चार्ज ई प्लस और ई माइनस, यानी मिलाकर जीरो, विच इज इनिशियल चार्ज ऑन एन फोटॉन। ये गामा रेज फोटॉन होते हैं, पार्टिकल हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के, ठीक। ये न्यूट्रल है और बाद में भी ये न्यूट्रल है दोनों मिलाकर, इसीलिए डिफिनीशन में सिस्टम वर्ड का यूज किया गया है, ओके। इसको पेयर प्रोडक्शन बोलते हैं। अगर आपको डायरेक्ट भी लिख देंगे ए और बी को एग्जाम्पल लेके कि हमने उसको रविंग किया तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन निकल कर दूसरे में शिफ्ट हो गए, एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो गई, दूसरी बॉडी निगेटिव चार्ज हो गई, ठीक है ना। इसको पेयर प्रोडक्शन बोलते हैं, आप अगर इसको नोट करें तो बेटर रहेगा। दूसरा यहाँ पर एग्जाम्पल लिया जाता है, इसका अपोजिट है, ठीक, वो इनहेलेशन ऑफ मैटर बोलते हैं। सेकंड एग्जाम्पल, इनहेलेशन ऑफ मैटर, इसमें इसका जस्ट अपोजिट है। जस्ट अपोजिट होने का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन मिलकर, ओके, ये यहाँ पर दो गामा फोटॉन बनाते हैं, गामा प्लस गामा, और प्लस एनर्जी भी निकलती है, ठीक। यहाँ ये इसका जस्ट अपोजिट प्रोसेस है, ये क्या है, पार्टिकल है, पार्टिकल को इसमें कन्वर्ट कर दिया रेडिएशन में। वो पहला वाला क्या था, रेडिएशन को पार्टिकल में, और ये क्या है, पार्टिकल को रेडिएशन में। ये इलेक्ट्रॉन, सॉरी पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है, पॉजिट्रॉन है, पॉजिट्रॉन, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। यहाँ एक क्वेश्चन बहुत सारे लोग एराइज करते हैं कि यहाँ दो गामा क्यों निकल रहे, वहां तो एक ही गामा था,
ठीक है ना। अगर ऐसा नहीं होगा तो जो कंजर्वेशन ऑफ न्यूटन्स का मोमेंटम है और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो फॉलो नहीं होते हैं। आप थोड़ा सा रफली यहाँ समझ लेना कि वहाँ गामा के अलावा एक न्यूक्लियस भी था, तो वहाँ से भी उसको जो है वो कंजर्वेशन मिलता है एनर्जी का, ठीक है ना। यहाँ नहीं तो फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो नहीं होते हैं, यहाँ दो गामा रेज ही निकलती हैं। ओके, इसलिए रफली आप इसको ध्यान रखना, एक तो पेयर प्रोडक्शन और दूसरा एनिहिलेशन ऑफ मैटर, ये दो बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। आप कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में जब एग्जाम्पल दें तो इन्हीं को एग्जाम्पल को दें। और तीसरी प्रॉपर्टी आती है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज वही है जिसको हमने अभी डिस्कशन किया है। एडिटिव नेचर का मतलब है कि जो चार्ज होता है वो प्लस और माइनस में सिंपल एल्जब्रा को फॉलो करता है। जो इसका स्टेटमेंट है कि टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द एल्जब्रिक सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी किसी बॉडी में अगर Q1, Q2, Q3 इलेक्ट्रॉन हैं तो टोटल चार्ज उनका सम कर दीजिए, उससे दिया जाएगा। और प्लस माइनस का यूज करना है, जैसे 100 है एक में 200 है, उनको मिलाकर 300 हो गया, ठीक है ना। तो एडिटिव नेचर का मतलब आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। इसके अलावा हमने जो कुछ प्रॉपर्टी चार्ज की और हैं जिसको हम बोल रहे हैं, आप उनको ठीक से समझने की कोशिश करना। चार्ज इज ए स्केलर, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, ओके ध्यान रखना। ट्रांसफरेबल है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होती है। दूसरी, एसोसिएटेड विद मास है। अगर मान लीजिए ये दो बॉडी हैं और एक से इलेक्ट्रॉन, ये ब्लैक से निकलकर इस ब्लू पेन में आ गए, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गए, कंडक्टर हैं यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गए, ऐसी सिचुएशन में इसका मास कम होगा, भले इलेक्ट्रॉन का मास थोड़ा सा है लेकिन इसका मास इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या हुआ, ट्रांसफरेबल हैं, एसोसिएटेड विद मास हैं, लेकिन इनवेरिएंट विद स्पीड है। चार्ज की वैल्यू स्पीड के साथ चेंज नहीं होती है। मास आपको याद होगा, जिन लोगों को नहीं मालूम है वो जरूर ध्यान रखें, ये बहुत जनरल फार्मूला है। ये हमने मास लिखा है नॉट रूट आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी का 1-V/c का होल स्क्वायर। यहाँ c लाइट वेलोसिटी है, m नॉट रेस्ट में मास है। जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे मास इंक्रीज होता है, लेकिन चार्ज के साथ इस टाइप का कोई फार्मूला नहीं है। चार्ज स्पीड के साथ चेंज नहीं होता है। यहाँ v इज इक्वल टू c डाल देंगे तो मास इनफाइनाइट होता है, इसीलिए बोलते हैं कि कोई भी बॉडी लाइट वेलोसिटी से ट्रेवल नहीं कर सकती है। ओके, तो आप ये बात समझ गए होंगे कि जो इनवेरियंट विद स्पीड है। दूसरी बात, हमने चार प्रॉपर्टी फिजिक्स में बेसिक होती हैं, फंडामेंटल हैं, इनका कोई कॉज नहीं होता है। हमने जब मैग्नेटिज्म को स्टार्ट किया है फर्स्ट लेक्चर, वहाँ भी ये बात बोली है पहले लेक्चर में, और यहाँ पर भी ध्यान रखना, जो स्टैटिक चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक। मास ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करता है। अगर चार्ज मोशन में आ जाएगा तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसीलिए आप वहां पर देखेंगे कि मैग्नेटिक के चैप्टर में करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड है। तीसरा पॉइंट, अगर चार्ज एक्सीलरेटेड हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, और साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी इमिट होंगी। ये चार प्रॉपर्टी फंडामेंटल प्रॉपर्टी हैं, ठीक है ना, और इनका कोई कॉज नहीं है। दूसरा पॉइंट आप जरूर नोट करना, ऑब्जेक्टिव में मिलेगा आपको, कि ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन इज रिपल्सन नॉट अट्रैक्शन। क्यों, उसको समझने की कोशिश करें। जो एक्चुअल टेस्ट है इलेक्ट्रिफिकेशन का वो रिपल्सन है, अट्रैक्शन नहीं है। मान लीजिए, और ये ध्यान भी रखना, इस बॉडी में पॉजिटिव चार्ज है और इसमें नेगेटिव है, क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, आप जानते हैं अपोजिट चार्ज है, ठीक। अगर मान लो इसमें प्लस है इसमें प्लस है तब क्या होगा, रिपल्सन होगा। लेकिन अगर इसमें प्लस है और अगर ये हम बॉडी लाए, रिपल्सन हो गया तो आप बता देंगे कि इसमें प्लस है, लेकिन अगर अट्रैक्शन होगा तो ये जरूरी नहीं कि इसमें नेगेटिव हो, ये न्यूट्रल भी हो सकता है। क्यों न्यूट्रल हो सकता है, मान लीजिए ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, यहाँ प्लस चार्ज है यहाँ पर टिप पर, और यहाँ पर हम इस बॉडी को न्यूट्रल है यानी कोई चार्ज नहीं हम इसको लेकर आते हैं, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर निगेटिव खींच कर इसको यहाँ इकट्ठा कर लेगा, कलेक्ट कर लेगा, यहाँ निगेटिव हो जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। निगेटिव क्या करेगा, प्लस से अट्रैक्शन करेगा, क्योंकि इसमें पॉजिटिव है, इसमें यहाँ निगेटिव आ गया और ये पास में है,
होगा तो इक्वल अपोजिट, लेकिन ये पास में है इसलिए नेगेटिव का अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पर ज़्यादा होगा और प्लस का यहाँ पर रिपल्सन कम होगा, ओवरऑल ये अट्रैक्ट करेगा। इसलिए अट्रैक्शन से ये बात पता नहीं चलती है कि दूसरी बॉडी अपोजिट चार्ज है या न्यूट्रल है। इसलिए ये बोलते हैं कि जो एक्चुअल टेस्ट है, ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, रिपल्सन है, वो अट्रैक्शन नहीं है। ओके, दूसरी बात, नेक्स्ट पॉइंट, चार्ज जब हम किसी बॉडी में देते हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूट तो होता है लेकिन वो इक्वली नहीं होता है। चार्ज जो टिप होते हैं, जैसे मान लो हमने एक ये कोन बनाया और हमने इसको मान लीजिए चार्ज दिया, तो चार्ज जो टिप होगा ये कॉर्नर, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कलेक्ट होगा, यहाँ पर चार्ज दूर दूर होगा, ये ऐसे होगा। ठीक, आपकी कोई बॉडी कंडक्टर, जैसे ये पेन है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल, इसका ये टिप है, अगर इसको हम चार्ज देंगे तो यहाँ टिप पर कलेक्शन हो जाएगा। ठीक, ऐसा क्यों है, इसका एक डेरिवेशन है पोटेंशियल के चैप्टर में, वो हम वहाँ कराएंगे। हमारा ये स्टेटमेंट है कि चार्ज रिजाइड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कंडक्टर की, चार्ज हमेशा कंडक्टर के सरफेस पर रहेगा। उसके कई कारण हैं, एक तो पोटेंशियल में है, दूसरा आप इस बात को समझने की कोशिश करें, जो कंडक्टर होता है उसमें चार्ज फ्री टू मूव होता है। जैसे मान लीजिए ये कोई स्फेरिकल बॉडी है और हमने इसको चार्ज देना शुरू किया, ये कंडक्टर है, मान लो सॉलिड है, क्या होगा जब चार्ज देंगे, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, मान लो हमने फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज दिया तो यहाँ आया टिप पर, यहाँ आ गया, अब दूसरा पॉजिटिव दिया तो प्लस प्लस में क्या होता है, रिपल्सन होता है, तो दूसरा चार्ज ठीक इसके सामने दूर कलेक्ट होगा, रिपल्सन होने की वजह से अंदर नहीं रह सकता चार्ज, क्योंकि वहाँ तो फ्री टू मूव है। तो चार्ज जितने भी कंडक्टर होते हैं उनमें जो चार्ज्ड बॉडी होती है वो हमेशा सरफेस पर रहेगी। तो क्या स्टेटमेंट है, चार्ज रिजाइड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर, हमेशा आउटर सरफेस पर। ठीक, बिकॉज लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, क्योंकि एक जैसे चार्ज रिपेल करते हैं, लेकिन बट चार्ज डेंसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म, चार्ज डेंसिटी जो है वो कॉन्स्टेंट नहीं होती है। इसका जो डेरिवेशन है वो तो हम लेंगे उसमें अगले, लेकिन हम अभी फार्मूला आपको बता दे रहे हैं। इसका फार्मूला ये है, सिग्मा आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, हमने कॉन्स्टेंट लिखा है शॉर्ट में, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, यानी कि चार्ज अभी आगे बताई जाएगी वैसे सरफेस चार्ज डेंसिटी वगैरह। ठीक, और जो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और आर जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका मतलब जहां पर जैसे हमने एक कंडक्टर का ये सरफेस बनाया, देखिए यहां पर रेडियस जो है वो कम है और यहां पर रेडियस बहुत ज्यादा है, जहां रेडियस ज्यादा होगी वहां सिग्मा ज्यादा होगा, सिग्मा क्या है, चार्ज की डेंसिटी, यानी चार्ज वहां पर कलेक्शन ज्यादा होगा, तो रेडियस कहाँ कम है, इसमें रेडियस कम है, तो जब हम इसको चार्ज, हमने सरफेस बनाया केवल कंडक्टर का, इसमें चार्ज ज्यादा कलेक्ट होगा और इसमें चार्ज दूर दूर रहेगा, क्यों, क्योंकि इसकी रेडियस ज्यादा है। तो ये फार्मूला है इसका, सिग्मा आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, हम इसको पोटेंशियल में ये वैसे ड्राइव किया गया है। उसका एक कारण होता है, जो लोग पूरी थ्योरी जानते हैं वो समझ जाएंगे कि जो कंडक्टर होते हैं उनके पोटेंशियल सेम होते हैं सरफेस को, तो सेम पोटेंशियल को लेकर इसे ड्राइव किया जाता है। ठीक है, फिलहाल अभी आप ऐसे समझ लें कि चार्ज में रिपल्सन होता है, इसलिए जब हम किसी कंडक्टिंग बॉडी को चार्ज अगर दे देंगे तो वो चार्ज हमेशा आउटर सरफेस पर रहेगा। तो इस बेसिक पॉइंट को आप जो है वो ध्यान रखना कि चार्ज रिजाइड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर बट चार्ज डेंसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है लाइटनिंग कंडक्टर, जो बड़ी बिल्डिंग होती हैं उनकी जो रूफ होती है, छत पर वो एक कंडक्टर लगाते हैं, उसका मेटेरियल पीतल का बना के, और उसमें एक नॉब लगा देते हैं, ऊपर जो क्लाउड्स होते हैं, जो क्लाउड्स हैं उनमें नीचे क्लाउड्स में नीचे सरफेस पर नेगेटिव चार्ज होता है या माइनस होता है। ठीक, और यहाँ पर जो कंडक्टर जो लगाते हैं लाइटनिंग कंडक्टर, उसमें यहाँ कॉर्नर बना देते हैं, क्या होगा जब इलेक्ट्रिसिटी फॉल होगी या बिजली गिरती है तो यहाँ पर नेगेटिव होने की वजह से इसमें पॉजिटिव इंड्यूस हो जाएगा, पूरी बिल्डिंग में नहीं होगा इंड्यूस, टिप पर हाईली चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, और चार्ज जब डिस्चार्ज हो गई है तो इसी पर होके इसका जो कनेक्शन है वो हम अर्थ को कर देते हैं, तो अर्थिंग में ये चार्ज चला जाता है, समझ गए ना। तो लाइटनिंग रॉड जो होता है वो इसका एग्जाम्पल है, जिसमें कि सिग्मा आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है।
इसमें जो डिस्चार्ज होता है यहाँ प्लस और माइनस में, उसको हम कोरोना डिस्चार्ज बोलते हैं। आप बहुत फैमिलियर होंगे इस नाम से, लेकिन यहाँ इसको कोरोना डिस्चार्ज बोला जाता है, ठीक है ना। ये टेक प्लेस बोलते हैं, और टिप पर चार्ज ज़्यादा कलेक्ट होता है। ये हमारा जो है वो क्लाउड्स है, इसमें निगेटिव चार्ज होता है, जो लोग बनाना चाहे बना लेना। और ये हमारा लाइटनिंग रॉड है, ठीक। इसके बाद प्रॉपर्टी बहुत सारी हैं इसकी जो है चार्ज की, इसमें हमने आपको बहुत सारी प्रॉपर्टी अभी नोट कराई हैं। इसके अलावा इंड्यूस जो चार्ज होता है किसी बॉडी में, उसका एक फार्मूला है। डेरिवेशन देखो इनके आगे हैं, क्योंकि अभी आपका ये बेसिक और फर्स्ट चैप्टर है, हम थ्योरी में पॉइंट नोट करा रहे हैं, लेकिन ये सभी पॉइंट जो हैं आप समझ जाएंगे, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट कि कहाँ से आया है वो अभी थोड़ा समझने में प्रॉब्लम आएगी। ये है, ये क्यूडेस इंड्यूस चार्ज है, ठीक है ना। क्यों चार्ज बॉडी में आएगा कि आपने बॉडी को रखा, जैसे कोई बॉडी आपने रखी यहाँ पर चार्ज क्यों है, और दूसरी बॉडी रखी तो इसमें चार्ज क्यूडेस इंड्यूस हुआ, ठीक है ना। इसमें मान लीजिए पॉजिटिव है तो इसमें कितना इंड्यूस होगा। कंडक्टर में तो बिल्कुल अपोजिट चार्ज इंड्यूस होता है, ठीक। के जो है वो डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है, अभी कूलम्स लॉ में इसका डिटेल है डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का। जो डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के होता है, अभी आप ध्यान रखें कि जैसे जैसे कंडक्टिविटी बढ़ती है वैसे वैसे डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू इंक्रीज होती है। कंडक्टिविटी बढ़ेगी, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू इंक्रीज होगी, और मेटल पर जब आप पहुँचेंगे तो डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू इनफाइनाइट होती है फॉर मेटल। तो जरा मेटल के लिए चेक कर लिया जाए, वैसे वैक्यूम में 1 है, कूलम्स लॉ में नोट कराएंगे बाकायदा। एयर में 1.0054 है, पेपर की नियरली है ये 3.5। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट और भी प्रॉपर्टी हैं, प्रेशर टेम्परेचर उन पर भी डिपेंड करता है। वाटर की नियरली 80 है, कहीं कहीं 79.2 दी है, लेकिन कंडक्टर के लिए इनफाइनाइट है। तो जरा डाल के देखें इनफाइनाइट के, देखिए जरा क्या आता है फॉर कंडक्टर। इससे आपको ये भी समझ में आ जाएगा, ये जरूर लर्न रखना है, फॉर कंडक्टर के इनफाइनाइट डाल दो या इनफाइनाइट तो ये जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्यू डेस इज इक्वल टू माइनस क्यू, इसका मतलब कंडक्टर में इक्वल और अपोजिट चार्ज इंड्यूस होगा। हम कूलम्स लॉ में इसको बार बार रिपीट कराएंगे, और आप ध्यान रखना कि मेटल जितने भी हैं, मेटल या कंडक्टर, कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, ये जितने भी हैं, आपसे पूछा जाए कभी भी कि के कितना है, तो सीधे आप के की वैल्यू बोलेंगे कि वो इनफाइनाइट है, समझ गए ना। इसमें इनफाइनाइट वैल्यू डाल देंगे तो ये आपका पता लग जाएगा कि अगर मेटल है तो उसमें इक्वल और अपोजिट चार्ज इंड्यूस होगा, समझ गए होंगे बात को, ठीक। इसके अलावा जो चार्ज की यूनिट हमने आपको बता दी वो कूलम में है, लेकिन इसकी जो ओल्ड टाइम में है वो CGS यूनिट भी चलती थी। तो CGS यूनिट के कई नाम थे, एक आपका था स्टैट कूलम, STAT स्टैट कूलम, दूसरा ESU ऑफ चार्ज, ESU मतलब इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट, और एक बेंजामिन फ्रैंकलिन के नाम पर फ्रैंकलाइन भी था। ये तीन आपके यूज होते थे। और इलेक्ट्रोस्टैटिक के सिस्टम में अलग यूनिट थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम में अलग यूनिट थी। तो अब हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसका डिस्कशन करेंगे, और कूलम्स लॉ को हम इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। आप लोग, हमने पहले बता दिया है कि कोई भी टॉपिक आप जब 12th का स्टार्ट कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स का लेक्चर जो 5 पढ़े हुए हैं वो, और वेक्टर के वो जरूर देखें। ओके स्टूडेंट्स, हम आप मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके।